राम की वो बटिया जो सिंहासन में रख करके पूजी जाती है, सामान्य बटिया नहीं है, ऐसे तो सभी 500 करोड़ आत्माएं सब ज्योति बिंदु है, लेकिन सबसे जास्ती बंधन किनको लगता है? 84 जन्म लेने वालों को बंधन लगता है या कम जन्म लेने वाले आत्माओं को भी बंधन लगता है? हाँ जी, इसलिए जो 84 जन्म लेने वाली आत्माएं हैं उनको सबसे जास्ती बंधन दिखाया जाता है। कम जन्म लेने वाली आत्माएं उनको तो बंधन लगता भी नहीं उतना पूरा, तो वो पूरे पूजनीय यानी भी नहीं बनते हैं। 84 जन्म लेने वाले पूरे पूजनीय भी बनते हैं, तो ये सबको बंधन नहीं दिखाया जाता है। 84 जन्म लेने वाले सालिग्रामों को बंधन दिखाया जाता है। कोई भी रुद्रयज्ञ रचेंगे लाख सालिग्राम जरूर बना देंगे, सवेरे सवेरे बना देंगे, शाम को तोड़ देंगे, बार बार ये प्रक्रिया चालू रहती है। शूटिंग पीरियड की यादगार है। यज्ञ के आदि में भी वो आत्माएं मौजूद थी, सिंध हैदराबाद में 9 लाख आत्माएं भी मौजूद थी। क्या हुआ? टूट गई है माला, मोती बिखर गए, कहां के कहां जाकर के गिरे, अभी फिर बिखरे हुए बच्चों को बाप इकट्ठा करते हैं। इनको कड़क बंधन लगता है, वो ही बाप को जाति पुकारते हैं, बंधन से छुड़ाओ। हेलो, बोलो। बड़मूला ट्रायंगल। हाँ जी, यहाँ जाने वाली जहाज ऊपर की जहाज खाल जा रही, वो बीच के अपने जो संभाले थे ऊपर जाता है। बेहद को समझ जाएंगे तो हद को भी समझ जाएंगे। बेहद ब्राह्मणों की दुनिया में भूत प्रेतानी ब्राह्मणों का अड्डा है या नहीं है? भूत प्रेत बनने वाले ब्राह्मण है या नहीं है? 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 ऐसे ही जो बाहर की दुनिया है, जब तक देवताओं की दुनिया रही तब तक भूत प्रेत नहीं थे। फिर क्या हुआ? द्वापर युग से 5 भूतों ने प्रवेश कर लिया, तो भूत प्रेतों की दुनिया बन गई। उसमें बड़मूला ट्रायंगल भी तैयार हो गया। झाड़ जब पूरा बड़ा हो जाता है तो उसकी छोटी छोटी जड़ें भी होती है और बड़ी से बड़ी एक जड़ भी होती है। झाड़ के चित्र में जड़ें दिखाई है ना, कोई बाई ओर की जड़ें, कोई दाई ओर की जड़ें, लेकिन सबसे बड़ी जड़ कौन सी होती है? दाई ओर की, बाई ओर की या बीच वाली?
बीच वाली जड़ है बड़ा बड़ी जड़ है, मूल माने जड़, बड़ा मूला। ये सच रूपी वृक्ष है मनुष्यों का, इसका बड़ा मूल कौन है और बड़े से बड़ा बीज कौन है, कोई है या नहीं है? मनुष्य शक्ति का बीज कौन है मालूम है? कौन? प्रजापिता। बीज है तो जरूर जड़ भी होगी। बीज अपने को खाक में मिला देता है, जैसे बनियन ट्री दिखाया हुआ है, उसमें जो सनातन देवी देवता धर्म की जड़ है वो प्रायः लोप है या पूरी लोप हो गई है? प्रायः लोप है, माने गहराई में अगर खुदाई की जाए तो जहां जहां नमी मिलेगी वो जड़ अवश्य मिलेगी। ऐसे बहुत से पेड़ होते हैं जिनकी लकड़ी दूधिया होती है, वो दूध वाली लकड़ी जब तक पानी में रहती है या जो हिस्सा पानी में रहता है वो कभी सड़ता नहीं है। इसलिए जो कुआं बनाया जाता है उस कुएं की दीवारें ऐसी लकड़ी के शिकंजे के ऊपर रखी जाती है, वो कुएं की फाउंडेशन में रखी जाने वाली लकड़ी सड़ती नहीं है। तो मनुष्य सत्य रूपी झाड़ की भी एक जड़ है जो सड़ती नहीं है परंतु प्रायः लोप है। उस जड़ का नाम क्या है? बीज का तो नाम बता दिया है, ब्रह्मा। कुआं जो बनाया जाता है उस कुएं की सारी ईंटों सारे पत्थरों का वजन किसके ऊपर पड़ता है? वही लकड़ी का शिकंजा जो फाउंडेशन में होता है उसी के ऊपर सारा वजन पड़ता है। ब्रह्मा बाबा को भी बहुत चिंता रहती थी ज्ञान यज्ञ के परवरिश की, ज्ञान यज्ञ वक्षों के परवरिश की, पूरी बारात की बारात जीवन भर धोनी है तो चिंता तो रहेगी। ज्ञान का हर पॉइंट क्लियर नहीं था, बुद्धिमानों को उनकी बुद्धि की खुराक नहीं मिलती थी। इसलिए बहुत से बच्चे टूटते रहे। स्वयं प्रजापिता राम वाली सोल भी टूट पड़ी। क्योंकि बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चों को बुद्धि का भोजन चाहिए। इतने बड़े ब्राह्मण परिवार को
ज्ञान की गहराइयों का अमृत कलश न मिलने पर भी उनकी लंबे समय तक पालना करना, ये बड़ी जड़ का ही काम था। वो है बड़ा मूला, और जितने भी भूत प्रेत हैं, मुख्य भूत प्रेतों का नाम क्या है? अरे जो मुख्य भूत प्रेत है उनका नाम मालूम है ना? अरे नहीं मालूम? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इन भूतों का बाप कौन है? दे अभिमान वाली लाइट जल रही, दे अभिमान। इस मनुष्य शक्ति की मूल जड़ है, ये जड़ खलास हो जाती है तो नई शक्ति का फाउंडेशन लग जाता है। अभी ये जड़ बकाया है या नहीं है? है? अभी भी बकाया है, स्थूल शरीर नहीं रहा। मैं गीता का भगवान साकार में, वो साकारी रूप नहीं रहा तो भी सूक्ष्म शरीर से अभी इस दुनिया में काम कर रहा है। वो बुद्ध रूपी धरणी से वो बात मिटती नहीं कि मैं ही गीता का भगवान नहीं हूं। तो समूची शक्ति का बड़े से बड़ा संचालन करता मैं हूं। ये देह अभिमान जब तक पूरा खलास नहीं होगा तब तक देवताई शक्ति का फाउंडेशन नहीं लगेगा। बाहर की दुनिया में भी बड़ा मूला ट्रेंगल है, ब्राह्मणों की दुनिया में भी बड़ा मूला ट्रेंगल है, ये भूत प्रेतों का राज्य है और इतना शक्तिशाली है कि आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक तो बड़ा मूला ट्रेंगल है कि आसपास जाने में घबराते हैं, उसके रहस्य को जानते नहीं है, उसकी ताकत को समझते नहीं है। देह अभिमान की कितनी ताकत है? पांच विकारों का बाप कौन है? देह अभिमान। ये देह अभिमान नष्ट होगा तो बड़ा मूला ट्रेंगल का अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, दुनिया से भूत प्रेतों का राज्य मिट जाएगा। अभी तो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी, अच्छे से अच्छा पुरुषार्थ करने वाले, तो उनको भी माया पकड़ लेती है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के भूत प्रवेश कर जाते हैं, बुद्धि को पूरा ही पलटाए देते हैं। अभी धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। एक टाइम ऐसा भी आने वाला है
कि जो असली विज्ञान है वो असली वैज्ञानिक उसे बड़ा मूला ट्रेंगल के ऊपर जीत पालेंगे। वहां जानवर बुद्धियों का राज्य है, भगवान की सवारी कौन से जानवर पर दिखाई जाती है? बैल के ऊपर दिखाई जाती है। ये जानवरों का राज्य अब खलास होने वाला है। या तो बैल पूरे कंट्रोल में आने वाला है, अभी उल्टा है। क्या अभी जानवर मनुष्यों के ऊपर सवार होते हैं? शंकर के ऊपर किसकी सवारी होती है? हैं? अधूरे चंद्रमा की। कंट्रोल कर लेता है, थैया होती रहती है। अभी जल्दी शंकर की सवारी बैल पर होने वाली है। तो बड़ा बूढ़ा ट्रायंगल का अस्तित्व क्या होगा? खलास हो जाएगा। वो दुनियावी ब्राह्मण वैज्ञानिकों ने बड़ा बूढ़ा ट्रायंगल के ऊपर जीत नहीं पाई। ये ब्राह्मणों की दुनिया बड़ा बूढ़ा ट्रायंगल के ऊपर जीत पाएगी। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में भी दो प्रकार की दुनियाएं हैं। एक भूत प्रेतों की दुनिया भी है जो बाहुबल का उपयोग करती रहती है। धन बल का उपयोग करती रहती है। दुनियावी बुद्धि का बुद्धि बल का उपयोग करती रहती है। अभी वो साफ शांत होने वाले हैं। कि बाप और बाप के बच्चे गुप्त पुरुषार्थ के रूप में गुप्त पुरुषार्थ कर रहे हैं। पुरुषार्थ अधूरा है, संपन्न स्टेट को पाया हुआ नहीं है। इसलिए जो सिद्धि होनी चाहिए वो सिद्धि दिखाई नहीं पड़ती। अभी बीज रूप आत्म है, बीज रूपी तेज में टिकने का पूरा पुरुषार्थ नहीं करती है। आवाज है चारों ओर, दुनिया का विनाश होने वाला है। लेकिन अपने अपने सर के ऊपर डंडा नहीं पड़ रहा है। जब विनाश का डंडा अपने अपने सर के ऊपर पड़ने लगेगा तो सब पुरुषार्थ में चौपन्ने हो जाएंगे। और भूत प्रेतों की दुनिया खलास होने लगेगी। परंतु खलास होने से पहले वो भूत प्रेत आत्माएं अपनी पूरी ताकत आजमाएगी। उनकी संख्या बहुत होने वाली है। जितने ढेर के ढेर अकाले मौत में मरते हैं वो सब भूत प्रेत बनते हैं।
और भूकंप आवेंगे, बम्ब फटेंगे, जगह जगह बम फटेंगे, जगह जगह भूकंप आते रहेंगे। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, मल्टी स्टोरी, जहां दुनिया के ज्यादा से ज्यादा लोग रहे पड़े हैं, वो अचानक मरते रहेंगे। तो भूत प्रेत योनि में जाएंगे या 84 जन्म लेने वाले की योनि में जाएंगे? हाँ, भूत प्रेत बनेंगे। उनका उद्धार कैसे होगा? वो ज्ञानी तो आत्माएं हैं क्या? नहीं है। इसलिए एक एक में अनेकों का प्रवेश होता रहेगा। कितना कितना बुद्धि में बवंडर पैदा होगा। अभी अभी बुद्धि एक बात फैसला करेगी, अभी अभी दूसरी बात फैसले करेगी। एक फैसले पर वो भूत प्रेत आत्माएं टिकने नहीं देंगी। इसलिए बाप कहते हैं, ये देह अभिमान की लाठी त्यागो, ईश्वरीय कार्य में ये देह भी पूरा अर्पण करना पड़े। कितने निकलेंगे जो आत्मा बनेंगे? कितने? 800 वो बनेंगे जो पास विदानर होंगे, लेकिन आखरीन पूरे 84 जन्म लेने वाले पक्के पुरुषार्थी जो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे, 4.5 लाख में दूसरे धर्मों के बीज नहीं होंगे है? अरे और धर्मों के बीज होंगे या नहीं होंगे? वो भी तो होंगे, परंतु सूर्यवंश के पक्के कितने होंगे हैं? 50,000 तो वो होंगे, और 50,000 वो चंद्रवंशी होंगे जो अपने को सूर्यवंशियों के सामने सरेंडर कर देंगे। कितने हो जाएंगे? 1,00,000। वो है ही प्रवृत्ति मार्ग। वो श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो आखिरी विजय पाने वाली है। अभी प्रभावित हो रही है। फिर प्रभावित होना बंद हो जाएगा, तेज ऐसी बन जाएगी एक बाप दूसरा न कोई। कितना प्रवेश होते हैं? नहीं हो तब तो कहते हैं कि आत्मा बनो, आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ करो, सूक्ष्म शरीर वालों को प्रवेश करने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर बिंदु बन के रहेंगे। अपन को आत्मा स्टार समझेंगे, घड़ी घड़ी देह वाहन की चक्करी में नहीं आवेंगे। अभी घड़ी घड़ी क्रोध आता है ना, देह अहंकार आता है ना, घड़ी घड़ी काम का आवेग आता है ना, न बूढ़ों को छोड़ता है न नौजवानों को छोड़ता है।
जो क्रोध है तो वो पढ़ते हैं। ये बाप कहते हैं अपन को आत्मा घड़ी घड़ी समझो, तो भूत प्रेतों की प्रवेशता से बचे रहेंगे। कुछ भी करो, खाओ पियो घूमो फिरो धंधा दौरी भी करो, लेकिन क्या प्रैक्टिस करो? मैं आत्मा ज्योति बिंदु, ये प्रैक्टिस पक्की जिसकी बनी रहेगी उसमें भूत प्रेत आत्मा प्रवेश नहीं कर सकेंगे। नहीं तो घड़ी घड़ी से एहवान आता है, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा कर दूंगा। बाप कहते हैं सब देवान है, सारी दुनिया बंधन में है, बंधन वाला क्या कर देगा? यहाँ तो पुरुषार्थ भी बाप दादा कराए रहे हैं। हम सेवा का पुरुषार्थ भी अपने आप नहीं कर रहे, हम तो तमो प्रधान आत्मा है। तमो प्रधान आत्मा सेवा करेगी या डिसर्विस करेगी? डिसर्विस ही करते हैं। हमें अपना ही जो देवान का होना लगा रहता है। हाँ, जो हिम्मत करते हैं सेवा करने की तो बाप दादा प्रवेश करके मदद करते हैं, सेवा पूरी हो जाती है। बाकी इन ज्ञान की बातों को जो नहीं समझते हैं उन्हें अहंकार आता है कि हमने ये सेवा की, बस माया पकड़ लेती है। ज्यादा दुख लेते ले पाए लक्ष्मी के आपका ज्यादा दुख नहीं लेते, उसका कारण क्या है? ज्यादा धोखा दुख रामायण पढ़ने वाले जो भक्त होते हैं वो राम की जीवन कहानी जब सुनते हैं या दूसरों को सुनाते हैं, जैसे गुजरात में रामचंद्र डोंगरे हुए थे एक बड़े पंडित, रामायण सुनाते थे तो घंटे दो घंटे रामायण सुनाएंगे तो घंटे दो घंटे रोएंगे और सुनने वालों को भी रुलाएंगे। तो भक्त रोते हैं या भगवान रोता है? जब दुख होता है तो रोया जाता है या सुख होता है तो रोया जाता है? दुख पड़ता है तो रोते हैं। तो राम वाली आत्मा रोने वाली है। माया का जब आक्रमण होता है माया तहस नहस करती है तो राम वाली आत्मा रोने वाली होगी या उसका पुरुषार्थ झुंझुना रात चौगुना बढ़ने वाला होगा? राम वाली आत्मा नहीं रोती है, लेकिन भगत बिचारे कितना आए राम की सीता चुरा ली। अब इसका अर्थ जानते नहीं है कि राम की सीता कैसे चुराई जाएगी। अज्ञानी दुखी होता है, संगम में राम की आत्मा ज्ञानी है या अज्ञानी है जो रोएगी? दुखी होगी। जोर से बोलो। जो खजुराहो है ना, खजुराहो उसमें ना जो मूर्तियाँ बनी है जो देवी देवताओं की, तो उसकी शूटिंग कहाँ पर हुई है? संगम युग में। तो
क्योंकि हर काम का लक्ष्य देखा जाता है। भाव प्रधान विश्व रचना था। कोई काम किया जाता है तो उसमें भावना प्रधान होती है या कर्म प्रधान होता है? भावना प्रधान होती है। जो कर्म करने वाले हैं उनका लक्ष्य क्या है? गृहस्थियों की तरह साथ में रहते, विकारों के ऊपर जीत पाने का लक्ष्य है, या सन्यासियों की तरह सफेद काले और पीले कपड़े पहन करके दूरवाज खुजवाज रहने का लक्ष्य है? क्या लक्ष्य होता है उनका है? अरे उन खजुराहो की मूर्तियों का लक्ष्य क्या है? सूर्य मंदिर की मूर्तियों का लक्ष्य क्या है? जगन्नाथ की मंदिरों की मूर्तियों का लक्ष्य क्या है? श्रेष्ठ लक्ष्य है या भ्रष्ट लक्ष्य है? तो भावना उनकी है, लक्ष्य हूँ क्या है, तो लक्षण भी कैसे आएंगे? श्रेष्ठ लक्षण आएंगे। इसीलिए पूजा हुई, उन्होंने पवित्रता के लिए लक्ष्य धारण किया कि हम साथ में रह करके पवित्र रह करके दिखाएंगे, कीचड़ में रहेंगे। जैसे शिव की इंद्रियां पूजी जाती है, कौन सी इंद्री पूजी जाती है? लिंग पूजा जाता है। क्यों पूजा जाता है? जलाधारी के साथ रहते हुए भी पवित्र रहा या पतित होता रहा, शक्ति क्षीण करता रहा है, पवित्र रहा तो उसकी पूजा होती है। ऐसे तुम बच्चे भी हो, लाख सालिग्राम जो बनाते हैं वो शिव की पूजा के साथ उनकी भी पूजा होती है, उन्होंने भी ऐसी स्टेज बनाई है। इस रहस्य को ये साधु सन्यासी नहीं समझते जो सफेद लाल पीले कपड़े पहनने वाले हैं, दिखावा जाति करते हैं, ज्ञान की गहराइयों को नहीं पकड़ सकते। राम 14 कला संपूर्ण है या राम 16 कला संपूर्ण है? क्या है 14 कला संपूर्ण गाया जाना चाहिए या अपूर्ण गाया जाना चाहिए? नेक्स्ट टू गॉड कौन गाया जाना चाहिए? वो तो 1200 वर्ष जब बीत जाएंगे पुरुषार्थ के, तब राम वाला आत्मा जो फेल हो लिया, होने वाली है फेलियर, उसका गायन होगा। राम वाली आत्मा फेलियर है तो राम है, अगर पास हो जाती है तो नारायण है, तो नारायण का गायन होना चाहिए या राम का गायन होना चाहिए? नेक्स्ट टू गॉड नारायण का गायन होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट टू गॉड इज नारायण, वो संपन्न पुरुषार्थ है। संपन्न पुरुषार्थ ही का नाम नरसिंह नारायण है। राम को संपन्न पुरुषार्थी कहेंगे हैं? नहीं कहेंगे। और नारायण में शिव का प्रवेश होता है या राम वाली आत्मा में शिव का प्रवेश होता है? जो पतित है उसमें शिव का प्रवेश होता है या पावन में शिव का प्रवेश होता है? पतित में प्रवेश होता है। और बनेंगे इनकी क्वांटिटी कितनी होगी? 2000। बाबा ने तो गीता पाठशाला वालों को भी बोला है,
गीता पाठशाला का नक्शा ऐसा बनाओ, मधुबन जैसा नक्शा बनाओ। क्या गीता पाठशाला भी क्या बन जाए? मधुबन बन जाए। जहाँ जहाँ मधुबन बना देंगे वहीं वहीं बाप दादा आवेंगे। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ, जो भी गीता पाठशालाएं हैं उनमें ढेर की ढेर ऐसी होंगी संसार में प्रसिद्ध होने वाली, जो मधुबन के रूप में विख्यात हो जाएंगी। तुम्हारे लाखों की तादाद में सेंटर हो जाएंगे, लाखों करोड़ों की तादाद में मुरलियां छपने लग पड़ेंगी। अभी लाखों की तादाद में बेसिक में सेंटर है, है? नहीं है। जो है उनमें से भी पुराने पुराने ढेर के ढेर अच्छे अच्छे जिज्ञासु ज्ञानी तू आत्मा टूटते जा रहे हैं, क्योंकि ज्ञान उड़ता जा रहा है। जो प्योरिटी की गहरी धारणा है वो उड़ चुकी है, सन्यासियों की धारणा पकड़ ली है। एक तो आज का संगठन बाबा अहमदाबाद में बोला है नारायण का, तो अहमदाबाद में बनेगा ऐसा तो नहीं कहा। 108 का संगठन अहमदाबाद में ही दिखाई देगा, माउंट आबू में नहीं दिखाई देगा। तुम बच्चे शक्ति को शक्ति पर परम नाम उतार लेंगे, तो परम नाम में पहले पहले बीज रूप 108 आत्माएं पहुंचेंगी या दूसरी पहुंच जाएगी? है? पहले तो 108 पहुंचेगी। बाकी जिनको कंट्रोल करने की महत्वाकांक्षा रहती है कि हमें इस जीवन में ये महत्वाकांक्षा मिल जाए, जैसे धृतराष्ट्र की महत्वाकांक्षा थी क्या, राज्य मिल जाए, कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में आ जाए, जैसे यज्ञ के आदि में ब्रह्मा और ब्रह्मा के सहयोगियों को महत्वाकांक्षा थी, यज्ञ की कंट्रोलिंग पावर उसके हाथ में आ जाए, हमारे हाथ में आ जाए, तो सन 47 में आ गई। मिला क्या, राम राज्य मिला या और ही रावण राज्य मिल गया? और ही रावण राज्य मिल गया। अभी बाप ने हमको क्या शिक्षा दी है? दूसरों के ऊपर राजाई करने की शिक्षा दी है या इच्छा मात्रम अविद्या बनने की शिक्षा दी है? इच्छा मात्रम अविद्या। ब्राह्मणों की राजाई होती है, है? ब्राह्मणों की तो राजाई ही नहीं होती, परंतु कोई कोई ब्राह्मण हैं जो समझ बैठे हैं कि ब्रह्मा बाबा हमको राजाई दे करके चले गए, अब कंट्रोलिंग पावर हमारे हाथ में, चाहे उल्टे पैर चले या सीधे चले, चाहे बाहुबल का आधार लें चाहे न लें, लेकिन राजा ही हमारे हाथ में आ गई दुनिया की। तो क्या ये सच्ची बात है या झूठी बात है? और तो
जोर से बोलो, कान तक आवाज आनी चाहिए। छोटा बच्चा है, प्रश्न कर रहा है। शास्त्रों में बात आई है कि कृष्ण के पांव में किसी बहेलिए ने तीर मारा और घाव हो गया, तो घाव से वो मर गई। तो तीर एक फूल तीर था या कोई ज्ञान का बाण था? ज्ञान का बाण था। और पांव कोई फूल पांव था या बुद्धरूपी पांव में चोट लगी? और बहेलिया कोई दुनिया का जानवर मारने वाला बहेलिया था या ज्ञान में चलने वाला कोई ब्राह्मणों के बीच में बहेलिया था? और कृष्ण वो शास्त्रों में जिस कृष्ण की बात आई हुई है, जिसको गीता का भगवान बनाए दिया है, वो कृष्ण था या कोई आत्मिक रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा थी? है कौन सी आत्मा थी? कोई आत्मा थी, वो आत्मा पुरुषार्थ करने वाली थी कि बुद्धरूपी पांव में बहेलिए ने तीर मारा और प्राण पखेरु उड़ गए, जो बाबा मुरली में बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं? झक्कर में भगवान समझ लेते हैं। जैसे मिट्टी का ढेला होता है ना, उसमें एक ठोकर लगे पांव की तो बिखर जाता है, ऐसे ज्ञान में चलने वाले मिट्टी के ढेले बहुत हैं, जिनका अपना मनन चिंतन मंथन कुछ भी नहीं होता। इसलिए माया की एक ठोकर लगती है और बुद्धि बिखर जाती है। ऐसे ही वैदिक ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण की आत्मा कौन थी? कौन थी जो किसी बहेलिए ने बात का एक ऐसा बाण मारा जो उनकी बुद्धि बिखर गई, सहन नहीं कर सके, हाथ फेल हो गया? उनके शरीर छोड़ने के बाद जो पहली बुलेटिन निकली, उसमें ये बात क्लियर कर दी गई है कि ब्रह्मा बाबा के हार्ट में दर्द हुआ रात का क्लास करने के बाद, और जब तक डॉक्टर आया तब तक प्राण पखेरु उड़ गए। उससे दो दिन पहले एक हादसा हुआ था, सारे ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रेशन बाबा की जानकारी के बगैर करा लिया गया। उसका नाम रखा गया वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट, जो बाबा के अंतरंग सहयोगी थे उनका नाम नहीं डाला गया उस संगठन में। जो चोरी छिपे बाबा से छिप करके काम करने वाले थे उन लोगों का नाम डाला गया। आज उसे वर्ल्ड रूवल ट्रस्ट के हाथ में उन बेसिक ब्राह्मणों की सारी बिल्डिंगें,
और सारी प्रॉपर्टी एक मुट्ठी में समाई हुई है। जैसे आज दुनिया का सारा आर्थिक ढांचा कौन से महादेश के हाथ में है, हैं? अमेरिका के हाथ में। वो अमेरिका दुनिया के हिसाब से बड़े बड़े धनाढ्यों की नगरी है, धनाढ्यों का देश है, यादवों का देश है। ऐसे ही दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत की राजधानी बंबई तो माया की नगरी है, तो माया की नगरी में भी कोई ऐसे निकलते हैं जो ऐसी तीखी बातें कर देते हैं, तीखा तीखा काम कर देते हैं उल्टा पलटा, जो ब्रह्मा बाबा सहन नहीं कर सके। बुद्ध रूपी पांव में थोड़ी सी बात का झटका लगा और प्राण पखेरु उड़ गए, हाथ फेल हो गया। ये महत्वाकांक्षा की बातें हैं, भस्म होने वाली दुनिया की महत्वाकांक्षा है या आने वाली नई दुनिया की महत्वाकांक्षा है? भस्म होने वाली दुनिया के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग बनी रहे, कितनी घातक महत्वाकांक्षा है। ये ब्राह्मणों का कर्म है या दुनियावी शूद्रों का कर्म है? बाबा ने तो बोला है दुनिया में जो हम पाप कर्म करते रहे 63 जन्म, उन पाप कर्मों का एक गुना बोझा चढ़ता रहा, और अभी भगवान बाप मिल गया, ब्राह्मण बन गए, दुनिया को हम ये दिखाने लगे कि हमें भगवान बाप मिला है। और फिर अगर कोई गलतियां करते हैं श्रीमत के बरखिलाफ तो कितना गुना बोझा करता है, हैं? 100 गुना बोझा कर जाता है। तो कहां एक गुना बोझा, उस समय तो हमें श्रीमत का पता ही नहीं था, अनजाने में भूले करते थे, और अभी अभी तो जानबूझ करके भूले कर बैठते हैं। एक एक भूल का 100 गुना बोझ चढ़ रहा है। तो आत्मा दब रही है या सुजाग हो रही है, हैं? दब रही है। जब मुरली सुनाई जाती है तो झुक के आती है, जब बाबा की याद में बैठाया जाता है संगठन में तो झुक के आती है। दोनों तरीके से हमारा पाप कर्म और बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? संगठन में रह करके हमको अलर्ट रहना चाहिए ताकि दूसरों का वाइब्रेशन खराब करने के हम निमित्त न बन पड़े। हमारे संघ का रंग, हमारा वाइब्रेशन दूसरों को न लग जाए। तो संगठन में बैठ करके अगर हम नींद लेते हैं, झुटका खाते हैं, तो पाप करते हैं या पुण्य कमाते हैं? कितना गुना बोझा करता है? 100 गुना बोझा करता है। आप ही तरफ पर वही कोई कोई ऐसे भी तो पुरुषार्थी होंगे जो संगठन में बैठ करके ऐसी भारी भूल नहीं करते होंगे,
देखने में आते हैं या नहीं आते हैं? आते हैं। तो ऐसे अच्छे अच्छे पुरुषार्थियों को फॉलो करना चाहिए। वो ऐसे क्या कर्म करते हैं जो उनकी आत्मा इतनी दबी हुई नहीं रहती है? आया है कामदेव कहा जाता है भक्ति मार्ग में, क्या है देव? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये देव है, ये राक्षस है, भूत प्रेत है, क्या है? भूत प्रेत है, राक्षस है। फिर उन्होंने ऐसा क्या काम किया कामदेव ने जो उनको देवता की लिस्ट में डाल दिया गया? कामदेव के रूप में इनका नाम मकान होता है, है? अच्छा नहीं आ रहा है? हाँ, पांडवों के साथ कोई कामी कुत्ता भी गया था या नहीं गया था? है? गया था, उसने कुछ पुरुषार्थ किया होगा तब साथ गया था या ऐसे ही चला गया है? जरूर उसने कुछ काम पर जीत पाने का वो साथ लिया है, इसलिए गया। शास्त्रों में बात आई है कि ऐसे नहीं है, काम अर्थात कामना सचड़ी नई दुनिया में नहीं होगी, होगी लेकिन दैहिक रूप में, दैहिक इंद्रियों का संभोगने की कामना नहीं होगी। इसलिए बोला कामदेव तो होगा लेकिन हुई है कामानंग, काम की मार काटने वाला वो अंग वहां नहीं होगा। उसका नाम अनंग देव कहा जाता है तो वो ही आत्मा। जो भी आत्माएं होती है उन आत्माओं की श्रेणियां होती है कि सब एक जैसी आत्माएं होती है? जो भी बीज होते हैं दुनिया में उन बीजों की अलग अलग जातियां होती है या एक ही तरह के बीज होते हैं? जो बात बोली जा रही है उसका जवाब दो कि जो भी दुनिया में बीज होते हैं उनकी अलग अलग जातियां होती हैं या एक जैसे ही बीज होते हैं? ऐसे ही आत्माओं की भी अलग अलग जातियां हैं। मनुष्य जात ऐसा बीज है जो मनन चिंतन मंथन करने वाला है, मन का उपयोग करने वाला है, मननात् मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य होकर अगर मन का उपयोग नहीं करता, मनन चिंतन मंथन नहीं करता और वो भी भगवान के महावाक्यों का, मुरली के महावाक्यों का मनन चिंतन मंथन नहीं करता, ज्ञान सागर की गहराई में नहीं जाता, तो वो ब्राह्मण जानवर है या मनुष्य है? जानवर तुल्य हो गया। ऐसे जानवर बुद्धि आत्माएं परम धाम में ऊपर ऊपर की ओर रहेंगी या नीचे की स्टेज में रहेंगी? ऐसे ही जो प्रैक्टिकल में जानवर है
शरीर से मनुष्य नहीं है, शरीर भी जानवर का है। वो उन मानवीय जानवरों से नीचे हुए या नीचे हुए है? नीचे हुए तो उनकी आत्मा परमधाम में उनसे भी नीचे रहेंगी या उनके बराबर या ऊंची रहेंगी? उनसे भी नीचे जाएंगी। जानवरों, कीट हो, पशु हो, पक्षी हो, यहाँ तक कि ये जो पेड़ पौधे हैं, एक जगह पे स्थिर रहते हैं, स्थिर होकर के हलन चलन करते हैं, उनमें भी आत्मा है, लेकिन जड़त्वमयी आत्मा है। वो आत्मा है परम धाम में सबसे नीचे की स्थिर में रहेंगे। आत्मा हो चाहे जड़त्वमयी बुद्धि वाली हो और चाहे चैतन्यमयी बुद्धि वाली हो, परम धाम में तो सबको वापस जाना है। साकार में निराकार को ध्यान करते हैं हम, तो फिर जितने मन बुद्धि सब सक्रिय होते हैं, जब मन बुद्धि सक्रिय होते हैं ना बाबा, मन बुद्धि क्षत्रिय सक्रिय, मन बुद्धि सक्रिय हो जाती है, मन बुद्धि सक्रिय होती नहीं, मन बुद्धि मन बुद्धि सक्रिय होती है। सब आकार साकार निराकार सब हम मानते हैं ना, उसमें मंत्र बुद्धि सक्रिय होते हैं, सब मंत्र बुद्धि सक्रिय होते तो वो उसकी अहंकार बढ़ जाता है बाबा, इसके समाधान कैसे होता है? तो मंत्र बुद्धि सक्रिय होती है ना, मंद बुद्धि की मन बुद्धि, मन बुद्धि जब सक्रिय होती है अहंकार बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। क्यों? निराकार याद नहीं रहता होगा, जब निराकार याद नहीं रहेगा सिर्फ साकार याद रहेगा तो अहंकार बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। साकार और निराकार के मेल में से अगर शिव को निकाल दिया तो साकार क्या रह जाता है? शिव रह जाता है या सब? तो सब को याद करेंगे तो क्या होगा? चेक करो, याद करते समय साकार में निराकार याद रहता है या भूल जाता है? बुद्धू भी बता दिया, लक्ष्मीनारायण को समझदार भी बता दिया, बाबा दो दो बातें कर देते हैं। हाँ, फिर क्या प्रश्न क्या है? इसका कारण क्या है? लक्ष्मी नारायण को मुरली में बुद्धू भी बता दिया, एक मुरली में बताया, लक्ष्मी नारायण तो बुद्धू है, उनकी बुद्धि में ज्ञान होता ही नहीं, और एक मुरली में बताया लक्ष्मी नारायण समझदार है, सब तो विश्व के मालिक है। तो ये लक्ष्मी नारायण दो है, दो जोड़े अलग अलग हैं, यह एक ही जोड़े की बात है, दोनों जोड़े अलग अलग हैं। जो समझदार हैं वो विश्व के मालिक बनते हैं इसी संगम युग में, सारे विश्व को कंट्रोल करने वाले बनते हैं, क्योंकि समझदार हैं। बाबा की वाणी को समझने की उनमें समझ है, और जो लक्ष्मीनारायण बुद्धू है वो कौन है? सत्युग के लक्ष्मीनारायण वो कौन सी आत्मा बनेगी? राधा कृष्ण माने क्या? दादा लेखराज ओम राधे मम्मा, जिन्होंने सिर्फ मुरली को कान से पहले सुना, सुना भी और दूसरों को सुनाया भी, सुनने सुनाने
दी गई, जो मुरली में बात बोली गई, उस मुरली की बात का मनन चिंतन मंथन नहीं किया। इसलिए मुरली में बाबा ने बोला भी है, इस समय गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। गीता ज्ञान तो है, मुरलियों को क्या कहेंगे? गीता ज्ञान है, लेकिन गीता ज्ञान का अमृत नहीं है। अमृत कैसे निकाला जाता है? तार मक्खन तब निकलता है जब उसको मंथन किया जाता है, बिलोया जाता है। वो मनन चिंतन मंथन ब्रह्मा या ब्रह्मा के फॉलोअर्स ने किया, तब भी नहीं किया और आज भी नहीं करना चाहते। वो मुसलमान धर्म में कन्वर्ट होने वाले हैं सब, जो कान में उंगली दे लेते हैं, हम ज्ञान नहीं सुनेंगे। अल्लाह मियां को याद करो, मुसलमान क्या करते हैं भक्ति मार्ग में, मस्जिद में क्या करते हैं? कान में उंगली दे करके अल्लाह, तो ज्ञान के बगैर सदगति हो जाएगी? शास्त्रों में भी लिखा हुआ है रिते ज्ञानान्न मुक्ति, बाबा ने भी बोला है ज्ञान से सदगति होती है। और ज्ञान कहाँ से आता है? ज्ञान एक बाप से आता है। ये मुरलियां एक बाप शिव ने बोली है, ब्रह्मा ने या राम की आत्मा ने नहीं बोली है। एक आत्मा से ही ज्ञान आता है, बाकी राम कृष्ण लेकर ए टू जेड 63 जन्मों में सारी आत्माएं ज्ञान सुनाने वाली है। मुरलियाँ बार बार पढ़ा करो, जो रिसेंट मुरलियाँ चलती है कोई भी बात है रोज रोज मत पूछो कितना टाइम हो गया ज्ञान में चलते। अरे ज्ञान में चलते कितना टाइम हो गया एडवांस में? 9 साल हो गए, और 2 साल में तुमने अभी ये मुरली में नहीं देखा, सीडी में देखा ही नहीं, किस प्रश्न का जवाब क्या है और कितनी बार दिया गया है? उसका जवाब सीडी में कई बार दे दिया, वो जो भी बातें आगे बैठ करके पहले मत पूछो। अच्छा टाइम वेस्ट होता है, इतने भीम तो ताकतवर था, उसमें देह का बल ज्यादा था या बुद्धि का बल ज्यादा था है? तो देहवाणी क्या करेगा? देहवाणी अपने संगी साथी को टटोलेगा या नहीं टटोलेगा? देहवाणी को देहवाणी टकराएगा और आत्माभिमानी को आत्माभिमानी टकराएगा। चलो।